हेलो गाइस। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्विगी का जो ऐप रहता है, ओके, वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जोमेटो का जो ऐप है वो कैसे यूज़ किया जाता है। सो सेम गोज़ फॉर जोमेटो। जोमेटो को अगर आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो उसका खुद का एक डेडिकेटेड ऐप है। अगर आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर टैबलेट पे यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे आइएगा, टाइप कीजिएगा जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर, ठीक है। ये आप कैसे क्लिक करते हैं, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ब्लू कलर का ये खुलेगा। यहाँ पे आपको आपका रेस्टोरेंट का आईडी डालना है। रेस्टोरेंट का आईडी डाल के कंटिन्यू करेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपको वो पूछेगा। कंटिन्यू करने पे एक OTP आएगा, तो अभी आपको मैं बता देता हूँ लॉगिन करने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो गाइस, ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। सेम जैसा जोमेटो स्विगी में था, ये आपका मेन लाइव पेज रहेगा। लाइव पेज मतलब जैसे आपका रेस्टोरेंट लाइव होता है तो ये आपका जो मेन पेज, आप चाहे तो इसको लॉगिन करके रख सकते हैं। आपको जो भी ऑर्डर आएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहीं पे आपको पूरा मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ से एक्सेप्ट करके प्रिपेयरिंग जो दिख रहे हैं आप, तो प्रिपेयरिंग पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेडी का ऑप्शन आएगा, रेडी पे क्लिक करेंगे, वो रेडी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑर्डर्स एंड टेबल्स ये वही है। पास्ट ऑर्डर्स, ये दिन के जितने भी पास्ट ऑर्डर्स है वो चेक कर सकते हैं। अब आता है इसमें मेन, इसके पहले देखिए सपोर्ट में क्लिक करेंगे, आपके यू नो जोमेटो का हेल्पलाइन आपको बताएगा ईमेल और कॉल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आता है यहाँ से लॉगआउट कर सकते हैं। ये आपका रेस्टोरेंट का नाम है, रेस्टोरेंट आईडी है, रेस्टोरेंट का एड्रेस है, ठीक है। ये मेन है कि मेन्यू, मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसका मेन्यू कार्ड देखिए। तो गाइस, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का आपका एक इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको ऊपर आपका जोमेटो डैशबोर्ड लिखा होगा। यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का फ़ोटो, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रेस्टोरेंट आईडी लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसा स्विगी में था सेम वही है। यहाँ से आप चाहे तो अपना पूरा मेन्यू कार्ड एडिट कर सकते हैं, डिटेल्स कुछ भी चाहे ऐड कर सकते हैं। ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपका आइटम का नाम पूछेगा, ठीक है, कैटेगरी है क्या है, कौन से अंडर ऐड करना चाहते हैं वैसा है, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते हैं वेज, नॉन वेज, डिलीवरी, टेक अवे, जो भी है, फोटोज़ ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, आइटम डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज, ये सब नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं है। ये जितना भी सेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं चाहिए तो, ठीक है। सर्विंग इन्फो जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। वेरिएंट्स से अगर आपके कुछ ऐड ऑन डालना चाहते हैं वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके नहीं दिखा सकता बिकॉज ये किसी का लाइव रेस्टोरेंट है, ओके, और ऐसे में किसी के लिए ऐड डिलीट नहीं कर सकता बिकॉज कोई भी चीज़ को ऐड करने के लिए मेन्यू कार्ड को अपडेट करना पड़ता है, जो कि मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए नहीं कर सकता किसी और के रेस्टोरेंट पे, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं ऐड करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल हम ऐड नहीं करेंगे। तो गाइस, इसमें देखिए अगर आपको बर्गर की कुछ, तो गाइस इसमें अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई कैटेगरी ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे बर्गर, स्नैक्स, बेवरेजेस, मोमोज है, अगर आपको कोई नया कुछ कैटेगरी डालना है वो ऐड कर सकते हैं। उसके ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड आइटम में कैटेगरी सिलेक्ट करके आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, सब कैटेगरी जो भी आप चाहे तो आप वो कर सकते हैं, पूरी तरीके से ऐड सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए इसको यू नो आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, जो भी आपको आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मेक अ कॉपी, क्रिएट कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक, फिर इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है गाइस, ठीक है। ये कंपेरेटिवली अच्छा है, स्विगी से काफ़ी बेटर है, इसमें आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को दिखाने के लिए, ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो अपना खुद का एक यू नो मील फॉर वन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
ये आप आपका जितना भी जिस तरीके से आप चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लंच, डिनर, लेट नाइट, ब्रेकफास्ट जो भी है, ठीक है। हेल्दी, ओके, हेल्दी मील्स आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं, ओके। सो देखिए, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि इसमें से हेल्दी है, आप वो सेलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं, आपके मेन्यू में आ जाएगा वो। डाइनिंग मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो zomato.com में जो आपका जो ऐप रहता है, सॉरी, वो जो रेस्टोरेंट आपने जो ऐड किया हुआ है, ये आपका ऑनलाइन दिखेगा, ये आपके मेन्यू कार्ड पे नहीं दिखेगा। देखिए, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डिटेल बोलेगा, मेन्यू नेम। तो ये सब मत कीजिए, अगर आपका रेस्टोरेंट अच्छा खासा चल रहा है और आप ज़्यादा को हो रहा है तो आप ये सब कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में अगर आप नए नए हैं तो ये सब कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। ये आपका चार्जेस के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये हेल्प सेक्शन है, जैसा स्विगी में है सेम ही है। अब मैं आपको बताता हूँ, जोमेटो का जो ये इंटरफेस है, वो ऐप है, बहुत बड़ा है। अभी कैसे बड़ा है आपको बता देता हूँ। ये तो सिर्फ मेन्यू, ऐड, डिलीट, जो भी आपको करना है यहाँ से आप ज़रूर कर सकते हैं। अब जो रूल स्विगी में है वो जोमेटो में भी है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें अपडेटेड मेन्यू कार्ड देना पड़ता है। आपको एक मेन्यू कार्ड जो है आपका अपडेटेड, वो आपको अपलोड वापस करना पड़ता है। बिकॉज़ आप कोई भी चीज़ अगर बोलते हैं ये मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली स्विगी को या जोमेटो को आपको दिखाना पड़ता है कि भाई ये मेरे मेन्यू में है, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। पर अभी जो आपने मेन्यू कार्ड सबमिट किया है, उसमें ऑब्वियसली शायद अगर आपका वो आइटम नहीं है, तो वो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद अपने मेन्यू कार्ड को अपडेट कीजिए। वो कैसे कर सकते हैं और बाकी चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, लोगो पे क्लिक कीजिएगा। लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये, जैसे मैं आपको बता रहा था, zomato.com का जो ये आपका रेस्टोरेंट का ये रहता है, ये इस तरीके से जो दिखता है, ठीक है। तो ये आपको आपको यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको आपको यहाँ पे नाम पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, आप ये सब चीज़ें यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिर्फ यहीं का डिटेल्स है, आपका ये आपका डिटेल्स नहीं है, या फिर वो डिटेल्स नहीं है जो कस्टमर को दिखता है, ठीक है। ये सिर्फ आपका ऑनलाइन का ही यहाँ का डिटेल है। आपको अपना ऑनलाइन का पूरा हैंडल करना है, पार्टनर आपका, आपको यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये है इसका मेन इंटरफेस। ये सबसे मेन है, बहुत बड़ा है, अच्छा है, इसलिए यही चीज़ को देख के मैं बोलता हूँ ये स्विगी से थोड़ा बेटर है, इंफॉर्मेटिव है और ज़्यादा एक्सपांडेड है थोड़ा, ठीक है। मैं आपको क्विकली क्विकली बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको बहुत क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट फ़ोटो होगा, आपका नाम होगा, एड्रेस होगा। क्लिक करेंगे व्यू ऑन जोमेटो, जोमेटो के ऐप पे आपको दिखेगा। आपका स्टेटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं, आपके एनालिटिक्स पूरे चेक कर सकते हैं, फ्रॉम डे टू टू डेज अप्लाई। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा स्टेटिस्टिक्स दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिक्स है, ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले एनालिटिक्स पे ही चलते हैं, तो ये आपका ये पूरा एनालिटिक्स जो है वहाँ पे जाइए दिखेगा। एक्सपोर्ट पर, एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप डिटेल्स, ठीक है। कोई भी चीज़ आप, आपके फ़ोटोज़, रिव्यूज़ होते हैं, वो आपके पूरा एनालिटिक्स में भी आपको दिख जाते हैं। आपका ये बेसिकली आपका पूरा, अगर आपको चेक करना है, ठीक है, कि आपका रेस्टोरेंट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, परफॉर्मेंस जैसे होता है, ये उसके लिए होता है। आपके ट्रांजैक्शन एनालिसिस होते हैं ये पूरी, ठीक है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बाद जो आखिरी एनालिसिस है वो है आपका कॉल ट्रैकिंग है, ठीक है। तो ये सारा है यहाँ पे एनालिटिक्स में। उसके बाद आपको देखिएगा, ये स्टेटमेंट है, ये ऑर्डर्स का पूरा स्टेटमेंट आपको आता है, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट जो आपको भेजते हैं, ये पूरा आपको इस तरीके का है। ये न्यू अकाउंट है, इसलिए आपको यहाँ पे डेटा उतना दिख नहीं रहा है। ये आपका पूरा का पूरा डिटेल, रेवेन्यू जो भी आपका है, आपका डिटेल रिपोर्ट यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं CSV फाइल पे, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री है, आपके ऑर्डर पूरी हिस्ट्री आप देखना चाहें, ये देखिए इनके अभी तक सिर्फ 3 ही ऑर्डर आए हैं। इनवॉइसेस है गाइस, ठीक है, इनवॉइसेस जो आपको जोमेटो भेजता है, या फिर आप जनरेट कर सकते हैं इनवॉइसेस। इनवॉइसेस जनरेट मतलब गाइस, आपको जो भी आपका जोमेटो के बीच में जो पे आउट होता है, ये उसके इनवॉइसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिल बिल क्रिएट नहीं कर सकते आप। तो व्यू सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाएंगे, पूरा डिटेल आपको दिखेगा।
यहाँ से आप एडिट कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको एडिट के लिए आपको जोमेटो को उनको ईमेल करना होगा, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैनेज मेन्यू कार्ड में, सॉरी मैनेज मेन्यू कार्ड में आपको दोबारा यहीं पे लेके आ जाएगा, क्लोज कर दीजिएगा और क्रिएट न्यू टिकट, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था ऊपर, आपको कोई भी चीज़ उनको रिक्वेस्ट करनी होती है, कुछ भी करना होता है, आपको क्रिएट टिकट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप आपका रेस्टोरेंट आईडी है, आपका डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको उनको सबमिट रेस्ट टिकट कीजिए, वो आप फिर आपको ईमेल से पे पूरा आपका बात करेंगे, आपके जितने भी टिकट्स आपने रेस किए वो आपको यहाँ दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर सेक्शन, ये आप रिव्यू सेक्शन है, जिसने भी आपको जितने भी रिव्यूज़ दिए हैं आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उनको रिप्लाई दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पूरा मैनेज कर सकते हैं अपना रिव्यू सेक्शन। एफएक्यूज़ है, ठीक है, एफएक्यूज़ अगर आपने बना के रखे हैं तो, ठीक है, वो सब है, आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और अब यहाँ से गाइस एनालिटिक्स आपको बता दिया हमने, लिस्टिंग है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहती है पूरे सेक्शन में। अभी इंफॉर्मेशन है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं अपना एड्रेस को, पोस्टल कोड, ये सब करने के लिए, कुछ भी आपको करने के लिए आपको जोमेटो को ईमेल करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जो मेन डिटेल्स होते हैं ये चेंज करने के लिए, वरना अभी ये सब टेबल बुकिंग, ये सब ऑन ऑफ, सब जो भी सिलेक्ट करना चाहे, अपना वेबसाइट ऐड करना चाहे, फेसबुक लिंक, जो भी चीज़ आप सेव चेंजेस पे कर सकते हैं, अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। ये लोग ने साफ साफ लिखा हुआ भी है, ये ईमेल आईडी पे आपको इनको ईमेल करना होगा, या आप अपने वर्किंग आवर्स चेंज कर सकते हैं, आपके रेस्टोरेंट टाइमिंग यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके रेस्टोरेंट के, आपके खाने के, जो भी आपको एक्स्ट्रा फूड, किचन के फ़ोटोज़ जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये मेन्यू कार्ड जैसे मैं आपको बताया था, ओके। अगर आप आपका कुछ भी मेन्यू कार्ड में ऐड डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना रहेगा अपना, आपका अपडेटेड मेन्यू कार्ड तो करना ये पड़ेगा। आपका जो भी सेक्शन अगर नया ऐड कर रहे हैं, नया कुछ एक्स्ट्रा मेन्यू कार्ड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये जो चार मेन्यू कार्ड में से अगर आप कोई भी डिटेल अपडेट करते हैं, उसका अपडेटेड मेन्यू कार्ड लाके ऐड करके आपको करना ये पड़ेगा, आपको पहला वाला हटाना पड़ेगा। जैसे कि अगर समझ लीजिए ये मेन्यू कार्ड है, इसमें तीन चार डिटेल्स या कोई डिटेल मैंने ऐड की है, मैं इसको क्या करूँगा, ये इस पे क्लिक करूँगा, ग्रीन आ गया मतलब ये हट जाएगा। जब सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए सेव चेंजेस है, क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते तो इसको वापस से क्लिक कर दीजिए, और आप ऐड कर सकते हैं अपना जो भी आपको ऐड करना है, इस तरीके से आप क्लिक करके हटा के नया ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ ऐड डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, जोमेटो यहाँ पे आपका मेन्यू कार्ड चेक करता है कि आपके मेन्यू कार्ड पे सेम डिटेल्स रह गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप चाहे तो अपना अलग से ब्रेकफास्ट मेन्यू डाल सकते हैं, ब्रंच का आपका अलग है, बेवरेजेस अलग है, टेक अवे। सो गाइस, सब रेस्टोरेंट्स के अपने अपने तरीके से रहते हैं, ठीक है। आपके जो भी पोस्ट हैं, अभी देखिएगा ये भी सबसे मेन सेक्शन है, अगर आप कोई प्रोमो चलाना चाहते हैं, अब यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड प्रोमो पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के प्रोमोज दिखेंगे, या अदर आपको खुद का प्रोमो कुछ बनाना चाहता है वहाँ पे आप कर सकते हैं। डिस्काउंट प्रोमो, ये लोग आपको उसको सिलेक्टिव देते हैं, ठीक है। परसेंटेज आप बिलिंग पे टोटल परसेंटेज देना चाहते हैं, या फ्लैट अमाउंट, जैसे कि 500 का लोगे तो 100 रुपीज़ ऑफ करेंगे, तो ऐसा रहता है, 100 ऑफ। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू डाल सकते हैं आप यहाँ पे, कब स्टार्ट, कब एंड, ये प्रोमो है तो आप अगर लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं तो स्टार्ट डेट एंड डेट डाल दीजिएगा, परसेंटेज जो भी आपको आपको चाहिए। आप प्रोमो प्रीव्यू प्रोमो करेंगे तो आपको दिखाएगा, फिलहाल मैंने डाला नहीं है तो आपको दिखेगा किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इनका एक प्रोमो चल रहा है, ठीक है, 15% ऑफ ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 250, तो ये प्रोमो आप देख सकते हैं इस तरीके से है। आप अपना प्रोमो क्रिएटर जिसने भी, जैसे कि ये इनके मैनेजर होंगे, तो ये उनके आईडी से क्रिएट हुआ है, तो ये इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। अपकमिंग और आकाइव, आकाइव्ड हुआ, ठीक है। आकाइव में जैसे कि आपको कोई प्रोमो जो बंद हुआ था वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऑल में क्लिक करेंगे सब दिखाएगा, तो एक्टिव पे क्लिक कर, ठीक है। तो ये आपका प्रोमो सेक्शन है, स्पेशल मेन्यू कार्ड्स होते हैं, अगर आपके कोई स्पेशल मेन्यू कार्ड्स हैं स्पेशल कस्टमर्स के लिए, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, कोई इवेंट आप चलाते हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स के लिए ज़्यादा लोग नहीं जाते अपने लिए, अगर आप कुछ भी अपने रेस्टोरेंट में इवेंट डालते हैं, कुछ कंपटीशन या कुछ भी, तो आप यहाँ पे ऐड इवेंट पे आके वो सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र्स, अगर आपका कोई स्टाफ है, मैनेजर है, आप किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं इस पूरे एडिटिंग का, पूरे ऐप का, सब कुछ का, तो आप यहाँ पे आप ऐड डिलीट कर सकते हैं, ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करके कर सकते हैं, व्यू एज यूज़र जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल आप चेक कर सकते हैं किसको क्या एक्सेस देना है आपको, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर को यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, खाली बिजनेस लॉग है, रेस्टोरेंट विजिट्स है और गाइडलाइंस है। रेस्टोरेंट विजिट्स में आप चेक करेंगे तो आप चाहे तो आपकी जो भी आपने कुछ वेबसाइट अगर बनाई है अपनी खुद की, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ही डाल सकते हैं, ये विजिट डाल सकते हैं वेबसाइट पे। आपको जोमेटो आप पूरी अथॉरिटी देता है कि आप जोमेटो के ये सब विजिट जो है अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं, इसमें जोमेटो का भी प्रमोशन होता है और आपका भी रेस्टोरेंट पे पता चल जाएगा लोगों को कि आप जोमेटो पे है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ से सब कुछ एडिट वेडिट कर सकते हैं। ये वो है जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको जोमेटो के ऐप के बारे में पूरा बताया था कि कैसे रजिस्टर करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जोमेटो का खुद का एक होलसेल का प्लेटफॉर्म है, ओके, तो यहाँ से आप उसको मैनेज चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ऐड सॉरी ये वो है जो होलसेल है, यहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको प्योरली होलसेल रेट में ही दिखता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अभी दिखा सकूँ, मैं पूरा ट्राई करता हूँ गाइस। तो देखिए गाइस, ये देखिए, तो ये जो भी है आपको पूरा का पूरा एक तरीके से फुल नो डीमार्ट टाइप पूरा मार्केट है ये, और डीमार्ट से भी ज़्यादा कम प्राइजेज है बिकॉज ये होलसेल है, और यहाँ से आप जोमेटो के टिप्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ है आपको प्रॉपरली प्योरली प्योरली होलसेल रेट में ही मिलेगा, आपको कुछ भी यहाँ पे महंगा नहीं मिलने वाला, ये बात की मेरी गारंटी है, बहुत अच्छा है। जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं आपको डिलीवरी टाइम मोस्टली नेक्स्ट डे होता है या एक दो दिन होता है, जोमेटो टिप्स के लिए ये लोग का कुछ टाइम फ्रेम होता है, वो टाइम फ्रेम के अंदर बाहर ही आप ऐड कर सकते ऑर्डर कर सकते हैं, लिमिट से ज़्यादा आपको ऐड करने नहीं देंगे जोमेटो टिप्स, ठीक है, एक लिमिट पे ही आप ऐड कर सकते हैं, आपके ऑर्डर पे डिपेंड रहता है। ये देखिए, पैकेजिंग मटेरियल्स, किचन कंज्यूमेबल्स, गार्मेंट्स, पैकेज फूड, बेवरेज, पोल्ट्री, डेयरी, ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, सब आप यहाँ से कर सकते हैं, आपके डायरेक्टली आपके रेस्टोरेंट पे ही आता है, ठीक है। ये देखिए, आपका ऐड टू कार्ट पेमेंट अभी यहाँ पे कर सकते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी 3000 तक अलाउ करते हैं COD, वरना आपको ऑनलाइन जितना आप चाहे ऑर्डर कीजिए और पेमेंट कीजिए वैसा रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो ही आप इसको लाइक कीजिए, वरना प्लीज़ ज़बरदस्ती लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो तो आपके लिए यूज़फुल है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।